नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। कोरोना की आड़ में खनन गिरोह माफिया सक्रिय है। एडिशनल एसपी ने घरसाना क्षेत्र में पहुंचकर अवैध खनन पर कार्रवाई की। घरसाना उपखंड क्षेत्र में लीज की आड़ में स्थानीय पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते धरले से अवैध जिप्सम का कारोबार जिप्सम माफिया द्वारा किया जा रहा है। इस कोरोना काल में एक तरफ तो जहां पुलिस प्रशासन कोरोना महामारी से लड़ने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिप्सम माफिया इसका फायदा उठाकर अवैध जिप्सम खनन कर बाहर की मंडियों में भिजवा रहा है। एडिशनल एसपी राइसनगर बनवारीलाल मीणा को धंधु के पास अवैध जिप्सम खनन करने की सूचना मिली, एवं उन्होंने घरसाना पुलिस थानाधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो घरसाना पुलिस थाना के एसआई राम प्रताप ने पुलिस दल के साथ धंधु के पास नाकाबंदी की, तो धंधु की तरफ से एक ट्रक व एक जेसीबी आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर जिप्सम संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन उचित दस्तावेज के अभाव में पुलिस जेसीबी व ट्रोले को पुलिस थाना लाया गया, जहां दोनों वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की व आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग श्रीगंगानगर को सूचित किया गया। थानाधिकारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि यह खनन लीज से बाहर होना बताया गया है।